नमस्कार जी, मैं गोविंद और आप सभी का स्वागत है एक और न्यू प्यार इस ब्लॉग में। दोस्तों, आप सभी कैसे, आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड हम लोग भी ठीक हैं। और ठीक है, अभी दोपहर के दोस्तों 1 बज रहा है। हम और बुडुल दोनों आदमी अभी नहात वाली हैं। और ये देखिए, पिछली ठंडी में बुडुल के लिए छठ पूजा के 1 दिन पहले खरीदे थे ये जैकेट, ये अभी पहनी हुई है। और दोस्तों, ये जैकेट हम अकेले ही जाके खरीदे थे, ज्योति को बहुत सारा काम था तो घर के काम देख रही थी। और बाकी अभी दोस्तों, ज्योति अभी पूरे घर की साफ सफाई कर रही है। देखिए, अभी हमारे किचन का दरवाजा पहुंच रही है। ये प्लास्टर नहीं ना है दोस्तों, घर तो धोने होने पर छीटा पड़ जाता है। देखिए कैसे, देखिए दोस्तों, ये पूरा छीटा पड़ जाता है ना, घर और धोती है ना तो पूरा छीटा पड़ जाता है, तो वही साफ कर रही है अभी। घर धोएगा, 2-3 दिन हो गया धोए। इसका तबीयत सही नहीं था इसीलिए नहीं धोई थी। दोस्तों, यहाँ पे अभी 1 बाल्टी पानी ले आके रख दिए हैं, अभी पूरा घर धोएगी ज्योति। दोस्तों देखिए, अभी हमारे बेड के नीचे घुस के ज्योति साफ सफाई कर रही है, पूरा घर धो रही है। काफी गंदा हो गया था क्या ज्योति? दोस्तों, अभी हम लोग आए हैं अपने पूजा घर में, पूजा घर से धो रही है ज्योति। बाकी दोस्तों, हम अभी यहाँ पे अपना मंदिर साफ करेंगे। देखिए, अभी चींटी, देखिए चींटी यहाँ पे बैठ के अभी खाना खा रही है। ये देखिए दोस्तों, ये है माखन चोर श्री कृष्ण भगवान जी, इनका मुकुट देखिए ज्योति बनाई है। कैसे लग रहे हैं आप बताइएगा जरूर। दोस्तों देखिए, हमारी बुटुल यहाँ पे अभी हाथ पे क्या लिख रहे हो बेटा? पाई, पाई लिख रहे हो, लिखो। देखिए क्या बना रही है। और दोस्तों, ये है हमारे रूम का गली जो कि पूरा धो के अभी देखिए पूरा अच्छे से साफ सफाई हो गया पूरा उधर रूम वूम सब चीज। बाकी यहाँ किचन भी साफ सफाई हो गया। और दोस्तों, अभी ज्योति सीढ़ी की साफ सफाई अभी सीढ़ी धो रही है। और दोस्तों, अभी हम खाने जा रहे हैं दलिया जो कि ज्योति बना के गई थी बाबू के लिए और हमारे लिए, वो अपने लिए भी बनाई थी बट अभी वो काम कर रही है, बाबू को खिला दिया, अभी हम खाने जा रहे हैं। और दोस्तों, आप लोग पूछते हैं कि ये दलिया क्या चीज़ है, तो दलिया दोस्तों गेहूँ का दरी होता है जिसको आप दूध में बना के बच्चों को भी खिला सकते हैं, वेजिटेबल के साथ साथ भी बना सकते हैं। और दोस्तों, अभी आए हैं छत पे, ज्योति छत पे ही कपड़ा धो रही है, अभी पूरा घर धो के उसके बाद आके यहाँ पे कपड़ा धो रही है। नीचे ठंडा लगे क्या? मच्छर भी काटता है लोग ना बहुत तेज, इसीलिए छत पे आके धो। तबीयत खराब है ना दोस्तों, पानी छीनना है इसलिए रोज छत पे धोते हैं। अभी ठंडी का मौसम आ गया इसीलिए गर्मी में नीचे ही धो लेते। और दोस्तों देखिए, हम नहा लिए और परिक पापा चले गए हैं दुकान लेके। और देखिए, इधर कपड़ा उपड़ा सब धो के डाल दिए हैं, ज़्यादा परी का ही है क्योंकि परी को डेली नहलाते हैं दोस्तों, डेली कपड़ा निकालना वाला तो ज़्यादा हो जाता है इसका। दोस्तों कोई दवा बताइए लोग, मेरा बाल बहुत झड़ रहा है दोस्तों, एकदम पूरे अंदर से निकल निकल के दोस्तों। अभी चलिए आप लोग से दिखाते हैं कि कितना बाल निकाल के रखे हैं। देखिए, परी को सैंडल उंडी लेके आ गई है, चलो चलो नीचे पहना दे रहे हैं, चलो। दोस्तों देखिए, ये कुछ दिनों का बाल है, कितना निकला है, सबको ऐसे मोड़ देते हैं ना तब इसे हो गया है। ये सब देखिए, ये इतना इतना 1 दिन में निकल रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग बताइए हमको कुछ लगाए, नहीं तो ऐसे तो हम टकला बन जाए। हाँ। ना काटे। और दोस्तों फाइनली अभी आ गए हैं अपने रूम पे। और ज्योति देखिए बोल रही है ना कि हम इस स्वेटरों पे एकदम बुढ़िया नहीं लगाते, नहीं ऐसे बोल रही है, वीडियो काटिए। और हमारी बाबू अभी देखिए यहाँ पे सो गई है, उसका तबीयत सही नहीं है दोस्तों। तबीयत खराब होता है ना तो हम तीनों का एक ही साथ में होता है, तो देखिए यहाँ पर छुप रही है। अभी जा रहे हैं लोग मच्छरदानी लगाने, बाबू को मच्छर काट रहे हैं ना क्या ज्योति? दोस्तों देखिए, यहाँ पे अभी बाबू के लिए मच्छरदानी लगा दिए हम, और तब तक ज्योति जाके अभी किचन में खाना बना रही है। और दोस्तों यहाँ पे बना रही है ज्योति अभी आलू पराठा, आइए आप लोग उसे दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आटा लगा के रख लिया है ज्योति ने, इसमें दोस्तों है प्याज है, जीरा है, धनिया पत्ती है, बाकी हल्दी और हल्दी पाउडर है, जीरा पाउडर है और धनिया पाउडर है। और बाकी दोस्तों इसी में ज्योति ने आलू को बॉयल करके मिक्स करके इसमें इसी के साथ गूंद दिया आटे के साथ में। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे देखिए पराठा बनना शुरू हो गया है, और इसका कलर देखिए, यहाँ 2 पराठा बना के अभी ज्योति रख दी है, काफी प्यारा कलर आया है इसका। ज्योति के मुंह में से पानी वाह होते क्या हो?
दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ अभी लास्ट पराठा निकल रहा है और अभी पूरा पराठा बन के तैयार। और अभी जा रही है ज्योति यहाँ पे दलिया बनाने, दूध रख दिया, दूध गर्म हो रहा है। और दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारी बोतल अभी जग गई है और जब बोतल को हमारा बुखार हो गया है दोस्तों, अभी दवा ला के रख दिए है, अभी खिलाएंगे लोग। और यहाँ पे देखिए उठते उठते इनको चाहिए जैकेट बैग कर रही है दोस्तों। क्या है बेटू? बैग और उसमें पैसा भी रखी है, पैसों आप चुरा लेंगे। हाँ ना काम चुरा लेंगे। दोस्तों अभी हम लोग खाना पीना खा लिए लोग, तीनों लोग। और यहाँ पे देखिए अभी बुटू का हो रहा है सेवा, पैर दाब रहा है, बात कर रहा है बुखार से। अभी हम आए ना तो हमसे बोले पापा पर बड़ा जोर से पैर दर्द कर रहा है, प्लीज दबा दे। ज्योति से बोले, ज्योति अभी पैर दबा रही है। और दोस्तों आज जो खाना बनाई थी ना ज्योति, आलू पराठा, वो एक दिन मजाक मजाक में बनाई और हम लोगों को इतना अच्छा लगा कि उसी दिन से हम लोग बना के खा रहे हैं लोग। बहुत ही टेस्टी बन रहा है दोस्तों, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। हाँ, हमारे बुटुल को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। क्या बुटुल? हाँ। आलू पराठा अच्छा लगा? हाँ। और दोस्तों इस ब्लॉग को रहने देते हैं यहीं तक। और हमारा ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। एंड हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों आप सभी ने हमारा ब्लॉग यहाँ तक देखा, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों। गुड नाइट बेटू, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।